उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। एके मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम। 265 रुपए पर सौ का तेल बिक रहा है। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने क्या बयान दिया, उन्होंने युद्ध में भरत जी को लिया दिया। अलग तरह की रामायण पढ़ते हैं ये लोग, अलग तरह की रामायण। जिस देश का गृह मंत्री रामायण नहीं जानता, आपने रावण को सुशासन में बता दिया और भरत जी को बता दिया। इनके रामायण के ज्ञान से सारी दुनिया, पूरी दुनिया हंस रही है। सबसे पहले पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पर इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के बड़े नेता, इन्हीं के संरक्षक, इन्हीं के मार्गदर्शक मंडल के लोग जिन्ना की मजार पर सर नवाने गए थे। एके मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम। एके मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। और आपने चूंकि तीनों पार्टियों के तीनों प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन जैम की जो अपनी अपनी परिभाषा है, अब कौन किस पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और किसके जैम में बुनियादी मुद्दा नजर आ रहा है? जैम बीजेपी का जैम अपना है, समाजवादी पार्टी का अपना है। हम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो एनालिसिस करते हैं जी, हमारा भी ये मानना है कि यूपी का जो इलेक्शन है इसकी बार, वो वाकई में जैम होगा। जंग ए मैदान, जे फॉर जंग ए और एम से मैदान, जंग ए मैदान। ठीक है, जो अब बीजेपी ने, बीजेपी के नेता ने, माननीय अमित शाह जी ने जो जैम की परिभाषा दी, कहीं ना कहीं वो मुझे उचित इसलिए लगता है क्योंकि हृदय अगर इन लोगों का चीर के देखा जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। एएमयू में जिन्ना के फोटो को लेके कितना विवाद हुआ था, हटाने को वो तैयार नहीं है ये लोग जो ऐसे नेता हैं। रही बात मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी के जितने भी कारनामे हैं, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, सारे लोगों को पता है, तो परिभाषा मुझे सही लगती है। मुझे एक चीज का ये है, एक इन्होंने पता नहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के मित्र थे, वो बोल रहे थे कि बीजेपी के कोई नेता वहां जाके पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे उन्होंने कुछ फूल वूल चढ़ाया था। उसके पहले कि मैं एक घटना बताऊं, नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी जहां बाबर की मजार है वहां जाके उन्होंने फातिहा पढ़ा था, और नटवर सिंह उनके यहाँ मंत्री थे, उस वक्त उनके साथ गए हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब, दूसरों को बोलने के पहले अपने बाबर की मजार पे जाके फातिहा पढ़ना, सही क्या है, गलत क्या है, मैं उसमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाता हूँ, लेकिन ये सत्य है। नहीं, इसका शांत रहिए, अभी आप शांत रहिए। मैंने आपके बीच में बोला, इनकी आवाज को बंद करिए। फातिहा पढ़ने पे मुक्ति क्यों लड़ रही है? अगर नटवर सिंह ने ये बोला है कि इंदिरा गांधी ने तो आप चिल्लाने क्यों लगे? दिवाली के आवाज क्यों फूटने लगे? जैसे दिवाली में बम फूटता है आप फूटने लगे? अभी सुनिए जरा, कानों में निकाल लीजिए। अभी एनर्जी बाकी रखिए, अभी मैंने बोलना शुरू किया है, बोलना मैंने शुरू किया है। बहुत एनर्जी लगेगी सर, जय मैम रख लीजिए आप, एनर्जी बहुत लगेगी। मैंने दो ही लॉजिक दिए हैं, मेरे और लॉजिक है। इनको जरा शांत करवाइए, इनको जरा शांत करवाइए। ठीक, अपनी बात रखें। देखिए, मुझे एक ब्रेक के लिए भी रुकना है, और हाँ बहुत शॉर्ट में मिश्रा जी, आप जानते हैं टेलीविजन है, उसमें टाइम की भी पाबंदी होती है, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखिए। हाँ, इन अज्ञानी लोगों को मैं बता दूं, वाल्मीकि जब डाकू थे तो उनको राम राम कहना नहीं आया, वो मरा मरा का करके उनको मोक्ष मिल गया। इतने वहां पे राम की जहां बात हो रही है, वहां पे नाम ओम अज्ञान ज्ञान की जरूरत नहीं है, वहां केवल श्रद्धा भाव की जरूरत है, भाव देखा जाता है। ठीक है, इन लोगों को बोलिए रामायण रामचरितमानस ये सब पढ़े, उसके भाव को समझा जाता है। रामचंद्र जी ने हमेशा भाव की प्रधानता दी है, देश में सनातन में भाव की प्रधानता है। हाँ, मानवीय छुट्टियों की प्रधानता नहीं है, भगवान राम समझ जाते हैं। ठीक है, कौन किस भाव से बोल रहा है, बिल्कुल वो सबकी भावना जानते हैं, लेकिन आपकी बात पे अभिषेक भी कहना चाह रहे हैं। और देखिए, मिश्रा जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, और सारी जनता देख रही है वो किसको डिपेंड कर रहे हैं। क्या मैं मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में महंगाई नहीं है? 2014 में जो महंगाई गायन होती थी, क्या वो महंगाई नहीं? क्या 265 रुपए सरसों का तेल बिकना सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरसों जो पैदा करने वाले किसान है, क्या उनको उचित मूल्य मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो 265 रुपए सरसों का तेल का फायदा किसको जा रहा है? मुंबई एयरपोर्ट आज आप डाटा देख लीजिएगा, दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्टों में आज से 10 साल पहले ही जाना जाता था। किसी पार्टी विषय की बात होगी, मत करो समाजवादी पार्टी की बात। एक मिश्रा, गलती की
सीधी सी बात है। पॉइंट वाइज जो है इनके आंसर देने दीजिए। समाजवादी पार्टी के जो मेरे मित्र हैं, जो पर कैपिटा इनकम और इन सब की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद से 1947 से एक साल ये मुझे बता दे जिस साल महंगाई न बढ़ी हो या निगेटिव में गई हो। पहली चीज मैं बता दूंगा, आंकड़े हैं मेरे पास, अगर आप भूल गए हो मित्र जी। कौन से भाई, मैं 10 रुपए लीटर पेट्रोल लेता हूँ। आप महंगाई महंगाई डिफेंड कर रहे हो, आप महंगाई को डिफेंड कर रहे हो, आप चल दो ना राजेश जी, ये महंगाई को डिफेंड कर रहे हो। राजेश जी ये महंगाई को डिफेंड कर रहे हैं, नहीं देखिए अभिषेक अपने अपने तर्क है ना, आप अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी रखने दीजिए, आप उनको काट सकते हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप सुन लीजिए एक सेकंड। हाँ इनकम क्या थी सर, जरा मुझे बताइए आप। यूपी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बीमारू राज्य बोला जाता था, आज वो जीडीपी के हिसाब से पहले नंबर पे है, ये आंकड़ा है कि नहीं है आपके पास? आपके टाइम में पास सारे आंकड़े मैं आपको दिखा सकता हूँ। यूपी को आप पता नहीं, मुझे नहीं पता राजेश जी कौन सा आंकड़े दिखा दिया, मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ, एक सेकंड अभिषेक, ठीक है एक मिश्रा, देखिए आपकी शुरुआती बात से ही उनको आपत्ति है, वो आपकी बात काट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनको सुन लीजिए, अभिषेक बोले आप। हाँ एक सेकंड सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए मिश्रा जी, वरिष्ठ है, ठीक है ठीक, यूपी पहले नंबर पर, आप ही बोल लो, आप ही बोल लो, खूब जोर जोर से बोलो, सही नहीं हो जाएगा। आप बढ़ाएंगे, रही बात एयरपोर्ट वगैरह बेचने की बात मैं आपको कर रहा हूँ, अरे भाई एयरपोर्ट और ये सब चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुविधा देने के लिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने के लिए इंडियन बिजनेसमैन के हाथों में, ठीक है ठीक है मिश्रा, आपकी आपकी बात आ गई मिश्रा जी, आपकी बात आ गई कि पहले के हालात में अब के हालात में क्या अंतर है, लेकिन आपकी इसी बात पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। एके मिश्रा एक सेकंड उनको सुन लीजिए, अभिषेक बोले, रखे अपनी बात अभिषेक जी, एक सेकंड एके मिश्रा एक सेकंड, आ गई आपकी बात, आ गई अब आपकी बात को वो कुछ रह रहे। हाँ अभिषेक ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, पंकज त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, मैं उनका कमेंट जो है इंक्लूड करूंगा चर्चा के बीच में, पंकज।